समाज में बुराइयां तेज़ी से फैलती जा रही है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में स्मार्टफोन और इंटरनेट हर एक की दस्तरस में आ गया है, जिसकी वजह से बेहयाइयां बुराइयां तेज़ी से फैल रही है। नौजवान लड़के और लड़कियां बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं। ऐसे पुराशुभ दौर में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO हैदराबाद ने समाज में फैल रही अखलाकी बुराइयों के इजाले के लिए रियासती सतह पर 11 तथा 24 अक्टूबर के दौरान समाजी बेदारी के लिए नहीं अनिल मुनकर बुराई मिटाओ के उन्वान से मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम के इनेखात का मकसद और उसके तहत अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों के बारे में मालूमात देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेखात किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना और शहर हैदराबाद के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इस प्रेस मीट को मोहतरमा आसिया तस्नीम साहिबा, रियासती नाजिमा शोबे ख्वातीन जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना रमीसा फातिमा, रियासती सदर GIO तेलंगाना और उम्मे महमन साइमा जनरल सेक्रेटरी GIO तेलंगाना ने मुखातिब किया। मुहिम की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि 14 रोज़ा मुहिम में मुंदरजा जैल सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएगी, जिसमें वर्कशॉप का इनेखात व दीगर प्रोग्राम्स, कैंपस हॉस्टल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। इसके ज़रिए मुहिम के पैगाम को आम करने की कोशिश की जाएगी। रियासती सतह पर क्विज़ मुकाबलों का भी इनेखात किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक मीट्स वगैरह का भी अहतमाम किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में GIO के जिम्मेदारान ने तालिबात और नौजवान ख्वातीन से ख्वाहिश की है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और ये अज़्म करें कि वो अपने अंदर अच्छा बदलाव लाएँ और अपने साथ साथ माशरे से अखलाकी बुराइयों को पाक करने की कोशिश करें। माशरे में बढ़ती अखलाकी बुराइयों के पेश नज़र GIO तेलंगाना गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने रियासती सतह पर नहीं अनिल मुनकर की मौजूद के तहत एक बुराई मिटाओ मुहिम मनाने का फैसला किया है। ये मुहिम 11 तथा 24 अक्टूबर 2021 मनाई जाएगी, जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। इस मुहिम का पैगाम दरअसल यही है कि हम इस मुहिम का मकसद यही है कि हम माशरे से अखलाकी बुराइयों का अजाला चाहते हैं और उसकी सदबाब की राय हमवार करना चाहते हैं। Girls Islamic Organization is organizing a campaign Nahi Anil Munkar to eradicate evil from the society from 11th of October to 24th of October 2021. The message we want to convey to the society is to recognize the evil within themselves and help others remove evil from them. The programs that we will be conducting throughout Telangana in different districts. We want the listeners to help us by promoting our activities.